हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्म देख रहे हैं, आप जब भी दुकान से ले रहे हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि ये 0 से 5 ईयर लिखा हुआ हो, क्योंकि सारे फॉर्म एक जैसे हैं। आप बोल के देंगे तो सही ही देगा, गलत नहीं देगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है गलत हो जाता है, और फॉर्म आप भर देंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप आधार सेंटर जा रहे हैं अप्लाई के लिए, तो उसमें आपको ज़रूरी चीज़ें क्या साथ में लेके जाना चाहिए, पहले ये आप जान लीजिए। जैसे कोई भी पेरेंट्स, बच्चे का पेरेंट्स जो हैं, माता या पिता, कोई भी एक जा सकते हैं, और उनको अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके जाना है। साथ में जिस बच्चे का न्यू अप्लाई किया जा रहा है या अपडेट किया जा रहा है, उसका वो बच्चे भी जाएगा, प्लस में बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल जाएगा। ओरिजिनल क्यों जाएगा? क्योंकि उसको स्कैन किया जाता है, और फोटो कॉपी अगर लेके जाते हैं आप उसका, तो उस पर वो रिजेक्ट हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। उस टाइम तो हो जाएगा, लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल ही लेके जाइए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म दिखता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। तो इसमें आप सीधा सीधे देख लीजिए क्या भरना है। इसमें आपका न्यू एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, और इसमें अपडेट लिखा हुआ है। अगर आप अपडेट कराने जा रहे हो, तो अपडेट में सुधार कराने के लिए इसमें आप टिक लगा सकते हैं, या न्यू अप्लाई करने जा रहे हैं तो न्यू अप्लाई कीजिए। इंडियन है तो आप इंडियन कीजिए, अदर कंट्रीज़ के हैं तो आप अदर कंट्रीज़ के इसमें आप टिक लगा सकते हैं। 3 नंबर कॉलम जो दिया हुआ है, इनकेस ऑफ अपडेट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस बिल्कुल छोड़ दीजिए। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहते हैं कि इसमें हम क्या भरें, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। आप सिर्फ न्यू अप्लाई के लिए हैं तो आप उतना ही जानिए। ये देखिए, इसमें नेम एज पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें बच्चे का नाम लिखना है जिस बच्चे का अप्लाई किया जा रहा है। मान लीजिए बच्चे का नाम राजू कुमार है, तो राजू कुमार लिखेंगे, और सारे नाम जो है वो जो भी इस डॉक्यूमेंट भरे हैं, सभी कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में भरिए। और ये जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम जो दिया होगा वही भरना है, ताकि आधार कार्ड पे आपका सेम नाम आए। और ये 5 नंबर ये है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जब बर्थ सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, तो उस सेम टू सेम वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस खाने में आपको उतार देना है। ये हो गया यहाँ तक कम्प्लीट। 6 नंबर है जेंडर, बच्चा कौन सा है, फीमेल है या मेल। बच्चा इसमें राजू कुमार हमने लिख दिया है, तो इसमें वो मेल है, तो मेल पर हम लोग टिक लगा देंगे। अब आई 8 नंबर, 8 नंबर पे दिया हुआ है ये देखिए, मदर्स नेम और फादर्स नेम, इसमें दोनों भर दिया भरा हुआ है। इसमें है ये कि आप जो पेरेंट्स गए हैं वो अपना भी भर सकते हैं, या माता पिता जो हैं अगर दोनों आधार कार्ड लेके गए हैं कोई भी एक व्यक्ति, तो वो अपना लेके दोनों का भी भर सकते हैं। दोनों का भर दिए हैं तो और भी बेहतर है, बढ़िया ही है, लेकिन ध्यान रहे सारे जो भी आप लिख रहे हैं वो सभी कैपिटल लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। हमने माता का नाम लिख दिया, और इनके सामने देखिए मदर्स आधार नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें माता का आधार नंबर लिखा है, जो बच्चे के माता हैं उसके आधार नंबर हमने लिख दिया। यहाँ पे पिता का नाम लिख दिया, पिता का नाम जो आधार कार्ड पे है वही लिखना है। इनमें उनका हो गया आधार कार्ड नंबर, इस पर उनका भी डाल देना है। अब यहाँ से आ जाइए थोड़ा सा नीचे, ये लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक लगा देना है। इस पर बर्थ सर्टिफिकेट जो आपने दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट का कॉलम है, इस पर आप टिक लगा दीजिए। फिर इसके बाद 9 नंबर पे आ जाइए सीधा, ज़्यादा छेड़छाड़ इधर उधर नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको फालतू का। हाँ, ये आपको बता दूँ, इसमें दिया हुआ है गार्जियंस आधार नंबर ये है। ये देखिए लिखा हुआ है, इनकेस बॉथ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल रीजन, इसका मतलब है इसमें अगर आपके माता पिता बच्चे के अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो दूसरा कोई भी गार्जियंस जाता है ये उसके लिए, बाकी तो बच्चे के माता पिता कोई ना कोई तो है ही, उसके लिए आप वहाँ पर भर सकते हैं। अब ये आपके आइए 9 नंबर पे, 9 नंबर पे बहुत सारा है, जैसे लैंडमार्क, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कई कई जगहों पे लैंडमार्क, ये हाउस नंबर तो रहता है, बिल्डिंग नंबर ये सब कुछ नहीं होता है सिंपल से गांव में। तो वहाँ पे जो आपका नॉर्मल है, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल, ये सब आपको भर देना है। ध्यान रहे सभी कैपिटल लेटर में ही भरना है। पिन कोड डाल दिया इसमें। हाँ, ईमेल लिखा हुआ है, इसमें आप भरें या ना भरें कि जरूरी है कि नहीं, इसमें आप जान लीजिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल भरें। अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, इससे होता है कि आप जो बन जाता है या कुछ भी होता है, उसका आपके ईमेल पर मैसेज आ जाता है। और मोबाइल नंबर आप इसमें वहीं डालिए जो आपके आधार जो आपने दिया था उसमें रजिस्टर्ड किया हुआ हो, ताकि इस पर भी जो बन जाता है तो इस पर आपको मैसेज आ सके, या भविष्य में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ता है किसी भी मैसेज आधार कार्ड से संबंधित, तो आपका उस नंबर के जरिए आपका काम हो सके। इसमें बस इतना ही, और नीचे में देख लीजिए सबसे लास्ट में है यहाँ पे सिग्नेचर,
सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, इसमें जो बच्चे के साथ गए हैं आधार सेंटर में जो गार्डियन से, उनका अपना सिग्नेचर होगा और कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें ज़्यादा माथा पेची नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, न्यू एनरोलमेंट नंबर है, इसमें आपको टिक लगा देना है। दो नंबर कॉलम में आपको इंडियन है तो इंडियन लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तीन नंबर कॉलम में कुछ नहीं भरा हुआ है। चार नंबर में बच्चे का नाम सेम टू सेम जो बर्थ सर्टिफिकेट पे वहीं भरना है। पाँच नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, वहीं से लिख देना है। जेंडर मेल तो मेल है, मदर और फादर का नाम, साथ में उसका आधार कार्ड का नंबर भी, इस पर आप निशान लगा दीजिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट जो दिए हैं उसका है। ये जो बीच में दिया है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये नौ नंबर पे आपका जो है एड्रेस है, एड्रेस में एड्रेस डाल देना है और मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड किया हुआ डालना है जो आधार कार्ड से लिंक कराना है या कर चुके हैं, और इसमें आपका सिग्नेचर। बस दोस्तों, बस इतना ही, धन्यवाद।